LOC पर पाकिस्तान की काराना हरकत में BSF के सब इंस्पेक्टर राकेश डोवाल समेत 4 भारतीय जवान शहीद, 6 स्थानीय नागरिकों की भी मौत। जवाबी कार्रवाई में पाकिस्तान को भारी नुकसान। भारतीय सेना की पाकिस्तान पर ताबड़तोड़ कार्रवाई, बाजवा के 20 सैनिकों को ढेर किया, 3 SSG कमांडो को भी मार गिराया। दिवाली से पहले LOC से सटे कई इलाकों में पाकिस्तान ने किया सीज फायर का उल्लंघन, जवाबी कार्रवाई में पाकिस्तान को भारी नुकसान, घुसपैठ की साजिश नाकाम। पाकिस्तान की काराना हरकत का सेना ने दिया मुंहतोड़ जवाब, पाकिस्तान के कई बंकर और लॉन्च पैड तबाह। भारतीय सेना की जवाबी कार्रवाई से दहशत में आए पाकिस्तान के भगोड़े सैनिक, पोस्ट छोड़ भागे। पाकिस्तान ने किया सीजफायर का उल्लंघन, गुरेज बांदीपुरा सेक्टर के रिहायशी इलाकों में भारी गोलीबारी, भारतीय सेना ने दिया मुंहतोड़ जवाब। उरी सेक्टर में पाकिस्तान को सेना ने सिखाया सबक, जवाबी कार्रवाई में पाकिस्तानी पोस्ट तबाह। पाकिस्तान फिर दुनिया के सामने बेनकाब हुआ, सीमा पार ग्रामीणों को बना रहा है निशाना, मोर्टार हमले के बाद घर तबाह। पाकिस्तानी सेना ने 6 से ज्यादा सेक्टरों में किया सीज फायर का उल्लंघन, रिहायशी इलाकों पर हैवी फायरिंग। भारतीय सेना ने पाकिस्तान की काराना हरकत का दिया मुंहतोड़ जवाब, जवाबी कार्रवाई में पाकिस्तान के कई पोस्ट धुआं धुआं। दीपावली के मौके पर भारतीय सेना ने पाकिस्तान को सिखाया सबक, सीजफायर उल्लंघन का दिया करारा जवाब, कई पोस्ट तबाह। कांग्रेस सांसद राहुल गांधी ने सेना के शौर्य को सलाम किया, कहा पाकिस्तान जब भी सीजफायर का उल्लंघन करता है उसका डर सामने आ जाता है, हमारे जवान देश की सुरक्षा में डटे हैं और उसके मंसूबों को ध्वस्त कर रहे हैं। जम्मू के आरएसपुरा सेक्टर में इंटरनेशनल बॉर्डर पर BSF जवानों ने दिवाली मनाई, पूरी दुनिया में दिया शांति का संदेश। ओडिशा के बालासोर तट पर भारत ने क्विक रिएक्शन सरफेस टू एयर मिसाइल का किया सफल परीक्षण, टेस्ट के दौरान मिसाइल ने तय लक्ष्य को सटीक हमले से किया नष्ट। पीएम मोदी इस साल भी सैनिकों के साथ मनाएंगे दिवाली, जैसलमेर बॉर्डर जाने की है संभावना, CDS जनरल विपिन रावत और आर्मी चीफ नरवणे भी रहेंगे मौजूद। दीपावली के मौके पर पीएम मोदी ने वीडियो ट्वीट कर लिखा सैल्यूट सोल्जर, जवानों के साहस धैर्य और शौर्य को नमन किया। पीएम मोदी ने ट्वीट कर लोगों से अपील की देश की रक्षा करने वाले बहादुर सैनिकों के लिए जरूर जलाएं एक दिया। आयुर्वेद दिवस पर पीएम मोदी ने दिया राजस्थान और गुजरात में 2 आयुर्वेद संस्थानों का तोहफा, कहा आयुर्वेद भारत की विरासत है, कोरोना काल में बढ़ी आयुर्वेदिक उत्पादों की मांग। बराक ओबामा की किताब में राहुल गांधी को अपरिपक्व और घबराए छात्र बताए जाने पर मुख्तार अब्बास नकवी का बयान, कहा राहुल अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर हंसी के पात्र। राजभवन पहुंचकर बिहार से CM नीतीश कुमार ने राज्यपाल को सौंपा इस्तीफा, नई सरकार के गठन तक अंतरिम मुख्यमंत्री बने रहेंगे नीतीश कुमार। 15 नवंबर को NDA विधायक दल की बैठक में होगा नेता का चुनाव, नीतीश के नाम पर लग सकती है मुहर। बिहार विधानसभा चुनाव में हार के बाद आपस में भिड़े कांग्रेस कार्यकर्ता, पटना के सदाकत आश्रम में विधायक सिद्धार्थ सिंह और विजय शंकर दुबे के समर्थक आपस में भिड़े। योगी आदित्यनाथ ने रामलला की पूजा की, भारत के विकास और कल्याण की प्रार्थना की। अयोध्या में बना गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड, 1,05,51,000 दिए जलाए, लेजर लाइट से जगमगाई श्रीराम की जन्मभूमि। दीपोत्सव के मौके पर अयोध्या में मनी दिवाली, रामनगरी में छाई खुशियां, अयोध्या नगरी उत्सव से हुई सराबोर। अयोध्या में भव्य आयोजन के दौरान राम की पैड़ी को एक अलग रंग में सजाया गया, अयोध्या में भगवान राम के राज्याभिषेक और दीपोत्सव में दिखी अद्भुत तस्वीरें। दीपोत्सव कार्यक्रम में योगी आदित्यनाथ ने नया रिकॉर्ड बनाने के लिए भक्तों को दी बधाई, बोले अगले साल 7,51,000 दिए जलाए जाएंगे। सीएम योगी का ऐलान, जहां जहां प्रभु श्रीराम के चरण पड़े वो जगह वैश्विक स्तर पर पर्यटन केंद्र बनेगी, प्राचीन परंपरा और संस्कृति के साथ जुड़ेगी। राम की पैड़ी पर बोले CM, पिछले 3 सालों में हुआ बड़ा परिवर्तन, पहले राम की पैड़ी में गंदा पानी जमा रहता था, भक्त आचमन नहीं कर पाते थे, अब हुआ साफ पानी का प्रबंध। अयोध्या में 492 साल बाद भगवान श्री राम का हुआ भव्य स्वागत, पूरी रामनगरी दीपावली के मौके पर जगमगाई। अयोध्या में सरयू के किनारे लेजर शो का किया आयोजन, इस लेजर शो के जरिए वहां मौजूद राम भक्तों को पूरी रामायण दिखाई गई, पूरी अयोध्या में श्री राम के जयकारे सुनाई दिए। दिल्ली में बांग्लादेशी दूतावास के बाहर विश्व हिंदू परिषद कार्यकर्ताओं ने किया प्रदर्शन, बांग्लादेश में हिंदुओं के साथ अत्याचार और जबरन धर्म परिवर्तन पर विरोध जताया। भारत ने साउथ सूडान में पीस मिशन भेजा, जवानों ने किसी भी हालात से निपटने के लिए किया अभ्यास, पीस मिशन की दी जानकारी। अयोध्या में सीएम योगी का बड़ा ऐलान, अयोध्या को कोरिया थाईलैंड नेपाल से जोड़ा जाएगा।
राजभवन पहुंचकर बिहार के सीएम नीतीश कुमार ने राज्यपाल को सौंपा इस्तीफा। नई सरकार के गठन तक अंतरिम सीएम बने रहेंगे नीतीश कुमार। पटाखा बैन से कारोबारियों को भारी नुकसान, कहा बैन ही करना था तो एक साल पहले क्यों नहीं लिया फैसला। दिवाली के मौके पर फूलों से सजा केदारनाथ धाम, पूजा के लिए पहुंचे श्रद्धालु। जम्मू कश्मीर के कुलगाम में बड़ा हादसा, कैमोह के सरकारी अस्पताल में लगी भीषण आग। यूपी के साहिबाबाद में मामूली विवाद के चलते पति ने पत्नी को गोली मारी, बाद में खुद को भी गोली मारी। यूपी में पटाखा बैन के चलते बुलंदशहर के खुर्जा में अवैध पटाखा बरामद, पुलिस ने दुकानदारों को हिरासत में लिया। मध्य प्रदेश के शिवपुरी में भीषण सड़क हादसा, 11 की मौत, दर्जन से ज्यादा घायल। मुंबई में दीपावली पर पटाखा बाजार पड़ा फीका, कारोबार 50% लुढ़का, कोरोना के चलते लोग रख रहे हैं एहतियात। यूपी के बरेली में पेंट के गोदाम में लगी भयंकर आग, लाखों का सामान जलकर खाक। अमेरिका में राष्ट्रपति ट्रंप का दावा, अगले साल अप्रैल तक देश के लोगों को मिलेगी कोरोना वैक्सीन। अमेरिका में सरकार ने टिकटॉक सौदे के लिए 15 दिन का और समय मांगा है, ट्रंप प्रशासन ने टिकटॉक पर बैन लगाने की घोषणा की। अमेरिका चीन के खिलाफ रूस की नई पहल, सूडान में नेवल बेस बनाएगा रूस। अमेरिकी राष्ट्रपति की दौड़ में जो बाइडेन का नेतृत्व हुआ और मजबूत। चीन ने अमेरिका के भावी राष्ट्रपति जो बाइडेन को 6 दिन बाद दी जीत की बधाई। अमेरिकी सीक्रेट सर्विस के 130 से ज्यादा अधिकारी हुए कोरोना संक्रमण के शिकार। अमेरिकी चुनाव में धांधली की खबरों पर खुद ट्रंप नहीं लगाया ब्रेक, एरिजोना में गड़बड़ी का केस वापस लिया। धुआं धुआं सा ये शहर क्यों दिखता है, सुना है बाजार में धुएं का सामान बिकता है, ये दिवाली सिर्फ दिए वाली।